राज्य में शिक्षा क्षेत्र अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, साथ ही शिक्षकों को भी जिसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के हितों के लिए धरना प्रदर्शित किया गया। यह धरना अमरावती विभागीय शिक्षक संघ की ओर से किया गया। आइए जानते हैं शिक्षक संघ का क्या कहना है। भारतीय शिक्षा का एक मंदिर है और इस मंदिर के जो सही पुजारी होते हैं वो होते हैं अध्यापक लोग। जी हाँ, लेकिन आए दिन जो ये गुरुजी लोग हैं जिनको अध्यापक भी कहते हैं हम लोग, टीचर्स भी कहते हैं, इन टीचर को सरकार की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे फिर वो सातवां वेतन आयोग हो, कामकाज का समय हो या और अन्य ऐसी कुछ बातें हैं जिससे इनको वंचित रखा जा रहा है। पिछले 13 वर्षों से इनकी मांगों को सरकार ने दरकिनार कर दिया है, आखिर तक न्याय नहीं दिया है, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र के राज्य से और तमाम तालुका से, ये तहसील से, ये तमाम यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे, थोड़ा पैन करके बताइए, ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को घर में छोड़ के आई हुई है, तो वही यहाँ जो कुछ टीचर्स लोग देख रहे हैं ये भी अपने काम का छोड़ते हैं। सबने हाथ ऊपर किया, देख लीजिए, ये देख रहे हो आप, ये एकच मिशन जूनी पेंशन का नारा देते हुए लोग आज भी सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कल इनका भव्य यहाँ से मोर्चा निकलने वाला है विधान भवन के ऊपर में दस्तक देने के लिए। कुछ पदाधिकारी टीचर्स एसोसिएशन के हमारे साथ में है, आइए उनके तरफ रुक करते हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे। सर आप बताइए कि क्या कहना चाहोगे आप। 1 नवंबर 2005 पूर्वी या 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी या महाराष्ट्रामध्ये निर्णय झाला की जे नियुक्त कर्मचारी आहेत त्यांची जुनी पेन्शन योजना काढून घेतली गेली आणि त्यांना DCPSमध्ये त्या ठिकाणी कन्वर्ट वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सर्व नियुक्त आहेत, पण शासनाने का नाकारलं की 1-2 नोव्हेंबर 2005 नंतर हे अनुदान प्राप्त झालं म्हणून तुम्हाला ही पेन्शन देता येणार नाही, अशा प्रकारची ही शासनाची भूमिका होती आणि हा आमच्यावरती अन्याय आहे की आम्हाला ही जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहोत। पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुंबईला मोठं आमरण उपोषण झालं, 8 दिवस अन्नत्याग आंदोलन झालं, आमच्या नेत्या राज्याच्या अध्यक्षा, शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्षा संगीताई शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा आम्ही लढत आहोत आणि ही जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून माघार घेणार नाही। गेल्या का सकाळपासून राज्यातून हजारो शिक्षक या मैदानावरती उपस्थित आहेत आणि आमचा एकच नारा आहे, एकच मिशन जुनी पेन्शन। सर यदि सरकार ने आपके बातों के और अनदेखी कर दी, आपके बातों को यदि दरकिनार कर दिया, क्या कहना चाहोगे, क्या करोगे, क्या होगी आपकी अगली रणनीति? जर सर या सरकार ने आम्हाला आता पेन्शन दिली नाही तर आमची रणनीती आहे की आम्ही या ठिकाणी अन्न त्याग करून आम्ही या ठिकाणी बसणार आहोत आणि सरकारला सांगणार आहोत की तुम्ही आमच्यावर अन्याय केलेला आहे, तो अन्याय आम्ही सहन करणार नाही, आम्हाला ही जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे, तसं आम्ही या ठिकाणी जाणार नाही, आम्ही याच ठिकाणी थांबणार आहोत आणि अन्न त्यागाला आम्ही सामोरे जाऊ, ही संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील। बिल्कुल, अन्न त्याग करने की यहाँ पे चेतावनी भी सरकार को दी गई है। कुछ महिला टीचर्स हमारे साथ में, बार बार सरकार को बताया जा रहा है मगर सरकार जो है कि सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। कुछ महिला टीचर्स हमारे साथ में, मैडम आप बताइए कि क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को? सर मी वनश्री वर्भे मेश्राम, मी चंद्रपूरहून इथे आलेली या मोर्चासाठी आणि मी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी माझी अपॉइंटमेंट 93 झाली आहे आणि 2005 नंतर हे जी आर लागलेलं आहे, आमच्यावर अन्यायकारक असं जी आर लागलेलं आहे, कारण की आम्हाला आम्ही जेव्हा अपॉइंटमेंट झाली होती त्या अपॉइंटमेंटमध्ये लिहिलेलं नव्हतं की तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळेल किंवा पेन्शन तुम्हाला त्या बेसवर मिळेल, असं काही नव्हतं। जेव्हा आम्ही लागलो तेव्हा मात्र असंच होतं की आम्हाला पेन्शन, जुनी पेन्शन लागू झाली, आमचे GPF कटले गेले, पण त्यानंतर 2005 नंतर अचानक असा काही GR काढला गेला आणि त्यामध्ये मुद्दामून आमच्यावर अन्यायकारक जे 2005 पूर्वी जे लोक होते त्यांच्यावर सुद्धा हा अन्याय केला गेला, त्यांची सुद्धा पेन्शन, आमची सुद्धा पेन्शन काढली गेली। इतकंच नाही तर भारत सरकार असं म्हणतात की बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आम्ही स्वाभिमानाने सर्व महिला शिक्षिका नोकरी करतो, स्वाभिमानाने आम्हाला आता पगार मिळते आणि जेव्हा आम्ही रिटायर होऊ तेव्हा
आम्ही काय आमच्या मुलांबाळांसमोर काय भीक मागायची पेन्शन द्या किंवा गोळ्यांसाठी पैसे द्या म्हणून? म्हणून सरकारला म्हणतो की तुम्ही जर असे जर बेटी बचाव आणि बेटी पढाव यासारखे जर आंदोलन करत असेल तर आम्ही या सरकारच्या बेटी नाही का? आमचा स्वाभिमान कुठे, आमची जागरूकता कुठेतरी सरकारने जपली पाहिजे आणि आमच्या सर्व महिलांकडे पाहून आणि सगळ्यांकडे पाहून जे 2005 पूर्वीचे जे सर्व शिक्षक आहेत ज्यांच्यावर खरंच अन्याय होता अशा शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू झालीच पाहिजे आणि ही जर जुनी पेन्शन लागू झाली नाही तर आम्ही आमच्या ज्या संस्थापक अध्यक्ष आहे संगीताताई शिंदे मॅडम यांना आम्ही पूर्ण महिलांचा आमचा पूर्ण सपोर्ट आहे. जोपर्यंत आम्हाला जुनी पेन्शन योजना इथे लागू होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून एक पाऊल सुद्धा काढणार आहे हे आम्ही निश्चित आम्ही सर्व महिला सांगतो आणि एकच पेन्शन आहे जुनी पेन्शन आमचं एवढंच म्हणणं आहे सर. धन्यवाद. जिस तरह से राज्य की है, इस महिला ने जो बात कही है वो बहुत ही दिल को दहला देने वाली बात कही है कि आखिरकार जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद का क्या, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसा करें, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कहा है. सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है मगर वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से ये चित्र जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके बातों को दरकिनार करता हुआ नज़र आ रहा है. महिला हो पुरुष हो या हो फिर ये सब तमाम टीचर्स लोग, इनको न्याय मिलना ही चाहिए, न्याय मिलना ही चाहिए, न्याय मिलना ही चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है. अब हम इनके तरफ रुक करते, सर आपका क्या कहना है? सर हम इस सभी अध्यापक लोग इस देश के निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं और यहाँ की सरकारें जो है शिक्षा क्षेत्र में जो टीचर काम करता है वो एक मजबूर और वो संघर्ष नहीं करता, ऐसी उनकी धारणा बनी हुई है. इसलिए अन्याय पे अन्याय करती जा रही है और हम सहन करते जा रहे हैं ऐसा उनको लग रहा है. लेकिन आज जो हम 1 नवंबर 2005 के पूर्व जो लगे हुए जितने सारे टीचर लोग हैं वो सभी अपनी मांगों के लिए यहाँ पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं. कई सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं और आज हम ऐसे अवस्था पर आ चुके हैं कि जब तक हमें पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाएगी तब तक हम इस यशवंत स्टेडियम से यहाँ से बाहर जाने वाली नहीं है. सभी महाराष्ट्र से सभी जिलों से सभी तहसीलों से हम यहाँ टीचर लोग आ चुके हैं और बहुत हजारों लोग संख्या में आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, कुछ रास्तों में है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी. हमारा परिवार अब बाहर आ चुका है और हमारे साथ बुढ़ापे की जो लाठी हमारी पेंशन है वो हमें जब तक नहीं मिलती क्योंकि हमारे रिटायरमेंट के बाद पेंशन जब नहीं मिलेगी तब हमारा क्या होगा, हमारी जब बीमारी या जो जो हमारे सवाल खड़े हो जाएंगे पारिवारिक और एक आरोग्य के उसका क्या होगा. इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि 1 नवंबर 2005 के पूर्व जो लगे हुए हैं सभी अध्यापक लोग हैं उन्हें पुरानी पेंशन देनी चाहिए. अगर आप देते नहीं है तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है. ये आवाज सब पूरे महाराष्ट्र में जाने वाली है और पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ खड़ा हुआ है. या हमारी इस शिक्षण संघर्ष संगठन की जो नेता है संगीता साई सिंधे के साथ हम इस मैदान में खड़े हुए हैं और हमारी नेता को आज वहाँ बातचीत करने के लिए बुलाया गया है. वहाँ हमें निश्चित रूप से एक मीठी न्यूज मिलेगी ऐसी अपेक्षा है. मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ. शुक्रिया. बहुत जैसे जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इनकी जो नेता है वो मंत्रिमंडल लोगों से मिलने के लिए गई है, हो सकता है कि उन्हें न्याय भी मिल सकता है. यदि न्याय मिला तो ये सब लोग खुश होंगे और न्याय नहीं मिला तो फिर वही कि सरकार का कामकाज ढाक के 3-5 जैसा चल रहा है और इन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है. सरकार अनदेखी कर रही है इनके बातों के, जो बात है सरकार के कानों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा इसका. सरकार ध्यान दे इन लोगों के धरफ, इन लोगों के तरफ खास तौर पे ध्यान दे, इनकी मांगों को पूरा करे क्योंकि इनको अपने बच्चों का अपने परिवार का गुजर बसर करना है. मराठी में कहते हैं कि सर्व सोंगवतात मात्र पैसा तो सोंगवत नहीं और सरकार ने इस बात को ध्यान देना चाहिए. अगर इनके साथ न्याय होता है तो सही मायने में सरकार जिस प्रकार से कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा ही होगा, वरना सरकार और इनके बीच यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा. देश को आज़ाद हो क्या 70-75 वर्ष हो चुके हैं मगर आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक ये अभी भी नहीं हुए हैं. अगर इन्हें आज़ाद करना है तो इनकी मांगों को पूरा करना ही होगा करना ही होगा करना ही होगा. नागपुर के यशवंत स्टेडियम से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर.